हेलो फ्रेंड्स, आओ आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले टॉप 5 हाइडिंग प्लेस है, सीक्रेट प्लेस, जो कि फ्रेंड्स यार काफी यूनिक हाइडिंग प्लेस है, एकदम फ्रेश हाइडिंग प्लेस है और अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। तो चलो फ्रेंड्स यार आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में। तो चलो फ्रेंड्स यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ, तो और दिखा देते हैं आपको फ्रेश वाले हाइडिंग प्लेस। हाँ तो फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं अपने नंबर 1 हाइडिंग प्लेस की लोकेशन पर, जो कि फ्रेंड्स यार आपको देखने को मिल जाएगी लंबर मिल पे। तो फ्रेंड्स यार आप लंबर मिल पे लोकेशन अच्छे से देख लो, एकदम शांति से देख लो। यार बंदे बोलते हैं यार कि तुम थोड़ा धीरे बोला करो, तो आज थोड़ा धीरे बोलने का भाई साहब ट्राई करते हैं ना, बाकी नहीं हो पाएगा, थोड़ा हो जाएगा वॉल्यूम पे। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे आपको ट्रक दिख रहा होगा, तो ये ट्रक पे किस तरीके से चढ़ना है, तो इस ट्रक पे फ्रेंड्स यार आप बाइक की सहायता से चढ़ सकते हो ना। तो बाइक को कुछ इस तरीके से लगा देना और फिर इस तरीके से आपको जंप करना है, फिर यार यहाँ पे आप लेट जाओ, कोई नहीं देख पाएगा यहाँ पे, यार लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। और कोई बंदा दिखता है तो आप उसे खड़े होके मार भी सकते हो और अपना कवर भी बना सकते हो ग्लू वॉल अगर आपके पास है तो, बाकी कुछ इस तरीके से भी मार सकते हो। देखो फ्रेंड्स यार मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप मार सकते हो, अगर कोई बंदा दिखता है ना तो इधर से मारने की दिक्कत है, बाकी चारों साइड में तो आप मार ही सकते हो। तो फ्रेंड्स यार कुछ इस तरीके से मार सकते हो, दो चार गोली मारो वापिस लेट जाओ, दो चार गोली मारो वापिस लेट जाओ। तो ये वाला हाइडिंग प्लेस आपको कैसा लग रहा है यार कमेंट करके अवश्य बताना। तो फ्रेंड्स यार काफी ज्यादा बंदे बोलते हैं कि यार भाई आपके ट्रक वाले हाइडिंग प्लेस मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो एक और यार मैं ट्रक वाला हाइडिंग प्लेस लेके आ गया आपके सामने। तो आगे और मेरे को यार अगर और मिलेंगे ना तो और लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स यार मैं अभी मैं नीचे आ चुका हूं, तो वापिस एक बार और जाके आपको दिखा देता हूं कि इस ट्रक के ऊपर चढ़ने की ट्रिक क्या है ना। तो ये ट्रिक की बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार आपको बाइक लगाना है, बाइक इस तरीके से लगाना है, फिर दो तीन बार जंप करोगे ना तो ये हाइडिंग प्लेस की लोकेशन पे आ जाओगे और यहाँ पे दूसरे ट्रक पे भी आ जाओगे एक बार जंप करोगे तो, है ना। और यहाँ पे भी आप लेट के अपनी कैंप कर सकते हो और अपनी रैंक को पुश कर सकते हो, है ना। तो कैसा लगा यार मेरे को कमेंट करके अवश्य बताना, और यार वीडियो अच्छा लगे और ये वाला हाइडिंग प्लेस अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो फ्रेंड्स यार अपन दूसरे हाइडिंग प्लेस की तरफ चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं अपने दूसरे नंबर के हाइडिंग प्लेस की लोकेशन पर, जो कि फ्रेंड्स यार आपको देखने को मिल रही होगी फैक्ट्री, है ना। तो फ्रेंड्स यार फैक्ट्री काफी ज्यादा बंदे बोलते हैं कि फैक्ट्री पे लोकेशन लेके आओ, हाइडिंग प्लेस लोकेशन लेके आओ, है ना। तो फैक्ट्री पर भी अपन यार एक तगड़े वाला हाइडिंग प्लेस लेके आए, तो बताना यार कमेंट करके बताना कि ये वाला हाइडिंग प्लेस आपको कैसा लगेगा, आगे बताना, है ना। तो फ्रेंड्स यार आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं जिस तरीके से ग्लू वॉल लगा रहा हूँ ना, उस तरीके से ग्लू वॉल आपको लगा देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको एक ग्लू वॉल लगेगा, जिस तरीके से मैंने लगाया ना उस तरीके से ग्लू वॉल लगा देना है। एक ग्लू वॉल में यार आप यहाँ पे काफी टाइम तक यार मतलब कैंप कर सकते हो या सर्वाइव कर सकते हो एक ग्लू वॉल की मदद से, अगर यहाँ पे जोन गिरता है तो। फिर आपको कैसा कुछ करना है, यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स यार यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से जंप करना है। वापिस आ गया अबे पागल। तो फ्रेंड्स यार यहाँ से कुछ इस तरीके से जंप करना है, थोड़ी दो चार बार प्रॉब्लम आ सकती है जिस तरीके से मेरे को आ रही है ना। फिर आपको फ्रेंड्स यार वो सामने रेलिंग दिख रही ना, इस पे जंप आ जाना है। जंप आने के बाद भाई साहब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो यार आप यहाँ पे कितना खतरनाक तरीके से सरवाइव कर सकते हो, कोई नहीं देख सकता, दूर दूर तक यार फैक्ट्री के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यार यहाँ से बंदों को आप शूट भी कर सकते हो, यहाँ पे लेट जाओ कोई नहीं देखेगा। तो ये वाला हाइडिंग प्लेस आपको कैसा लग रहा है यार कमेंट में बताते जाना, है ना। तो यार एक इसके चारों कोनों में आप घूम सकते हो और बंदों को शूट भी कर सकते हो, तो चारों कोनों में यार हम घूम के दिखा देते हैं कि किस तरीके से होने वाला है ये सारा, ये मतलब चारों दिशा से सीन कुछ किस तरीके से होने वाला है। तो अभी देख ही सकते हो फ्रेंड्स यार, तो काफी ज्यादा बंदे बोलते हैं यार फैक्ट्री में हाइडिंग प्लेस लाओ, क्लॉक टावर में हाइडिंग प्लेस लाओ। तो भाई साहब यार फुल ढूंढने की ट्राई चल रही है, क्लॉक टावर पे भी कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा है। तो देखो फ्रेंड्स यार फैक्ट्री वाला कमेंट करके बताना कि ये वाला फैक्ट्री वाला कैसा लग रहा है ना, फिर क्लॉक टावर में भी बताते हैं आपको, है ना। तैयार है यार, तैयार पड़ा हुआ है वीडियो तो बताना यार कब डालूं, मैं सोच रहा हूँ अगले संडे तो बताना यार। तो फ्रेंड्स यार यहाँ से भी सीन काफ़ी सही साठ लग रहा है ना, तो कैसा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है ये वाला हाइडिंग प्लेस यार कमेंट में बताओ, अब भी जाके बताओ, फिर यार मैं यहाँ से उतरने की ट्रिक बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा तो भाई यार यहाँ से भी आप चारों दिशा में आ सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स यार मैं यहाँ से मतलब लैंडिंग की ट्रिक भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप लैंड किस तरीके से कर सकते हो।
तो यहाँ पे फैक्ट्री पे तो काफी देर तक आप सरवाइव कर सकते हो, और फैक्ट्री के ऊपर भी बंदे रहते हो तो उनका भी आप यहाँ पे वेट कर सकते हो ना। तो अभी मैं यहाँ पे उतरने की ट्रिक दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर आपको यहाँ से आने के बाद करना है उधर की साइड पे जंप, जिस तरीके से मैंने किया है जंप, इस तरीके से आप यहाँ नीचे आ जाओगे ना। तो मैं किस तरीके से नीचे आया हूँ उसी तरीके से आपको भी नीचे आना है ना, तो जल्दी आ जाओगे, इजी तरीके से आ जाओगे। तो चलो फ्रेंड्स यार अब अपन चलते हैं अपने नंबर तीसरे हाइडिंग प्लेस की लोकेशन पे। हाँ तो फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं अपने तीसरे नंबर के हाइडिंग प्लेस की लोकेशन पर, जो कि फ्रेंड्स यार आपको देखने को मिल जाएगी फायर ब्रिगेड के कैंप साइट प्लेस पे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये होम कंटेनर पड़े हैं ना, तो यहाँ पे आपको हाइडिंग प्लेस, ये व्हाइट वाला कंटेनर है ना, इस पे ऊपर हाइडिंग प्लेस देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप किस तरीके से जाओगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर जाने के लिए आपको पास होना चाहिए ग्लू वॉल, और ग्लू वॉल का आपको किस तरीके से यूज करना है वो देख लो। तो फ्रेंड्स आपको ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने लगाया है ना। फिर आपको क्या करना है यार, मैं जिस तरीके से जंप करने वाला हूँ ना उस तरीके से आपको जंप करते रहना, एक बार और ग्लू वॉल के ऊपर, और ग्लू वॉल के ऊपर से आप आ जाओगे ऊपर है ना, कंटेनर के ऊपर आ जाओगे। तो कंटेनर के ऊपर यार आप आराम से लेट जाओ और आराम से कैंप करो। तो फ्रेंड्स यार आपको इस साइड तो नहीं, इस साइड नहीं, नहीं यार ये वाला साइड नहीं है सही साइड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लेट जाना है, और लेट जाने के बाद आपको फ्रेंड्स यार पहाड़ के साइड देखते रहना है, क्योंकि बंदा यार सामने वाला बंदा कोई भी इनेमी बंदा यार आपको उधर ऊपर से ही मार सकता है, और अगर मारता है तो एक ग्लू वॉल से कवर बना लो। तो यहाँ पे ग्लू वॉल से कवर इस तरीके से आप बना सकते हो। तो फिर यार ग्लू वॉल का कवर बना लो, और यार फिर बंदे को शूट करो, और मतलब कोई बंदा सामने वाला बंदा शूट करे ना उससे पहले कवर बना लोगे तो फायदे में रहोगे। तो अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो यार आप यहाँ से नीचे कूद जाओ, बाकी उसको यार मतलब सामने वाले बंदे को गोलियां मत मारने दो, तो यहाँ पे फायदा आपको तभी मिलेगा। तो यार मैं एक हाइडिंग प्लेस बता बता के यार मेरी खुद की आदत भी हो गई यार यहाँ पे मतलब छुपने उपने की, क्योंकि यार मैं खुद भी अब कैंप करने लग गया हूँ। तो कैंप करने से यार काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलते हैं, एक तो रैंक तो प्लस होती ही होती है, और यार गेम यार लास्ट तक जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स यार गेम को बुया करने के चांसेस बन जाते हैं ना। तो गेम यार अब मैं लास्ट तक खींच पाता हूँ यार, हर मैच को लास्ट तक खींच पाता हूँ, और मेरा यार टॉप 10 तो ईजी तरीके से हो ही जाता है, और टॉप 3 टॉप 4 भी हो जाता है, और बुए भी लग जाता है, मतलब 10 में से 4-5 मैच यार मैं इजी तरीके से बुए कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स यार ये वाला हाइडिंग प्लेस आपको कैसा लगा यार कमेंट करके अवश्य बताना, और कैंप करो यार और रैंक को पुश करो। तो चलो फ्रेंड्स यार अगले प्लेस की तरफ चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं अपने चौथे नंबर के हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस की लोकेशन पे, जो कि फ्रेंड्स आपको संतोषा में देखने को मिल जाएगी। तो संतोषा में फ्रेंड्स यार यहाँ पे जो ब्रिज है ना, ये जो पोचिनोक को मतलब पोचिनोक को और संतोषा को जोड़ता है, इसके साइड से आपको जाना है। किस तरीके से जाना है यहाँ से देख लो फ्रेंड्स, इस तरीके से जाना है जिस तरीके से मैं आया हूँ ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा, बोले तो फ्रेंड्स यार अद्भुत क्या, यहाँ पे सीक्रेट प्लेस या हाइडिंग प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई आपको देख नहीं सकता, यहाँ पे आप यार आराम से आ जाओ, यहाँ पे मतलब कोई बंदे आते नहीं है ज्यादा बंदों को, ये सीक्रेट प्लेस वाला लोकेशन या हाइडिंग प्लेस वाला लोकेशन पता नहीं है, तो यहाँ पे कोई बंदा आता भी नहीं है, क्योंकि कोई बंदा आता भी है संतोषा में तो यार ब्रिज से निकल जाता है, बोले तो पुल से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यार ये वाला हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है कुछ मजों के लिए है, तो यहाँ पे आप मजे भी कर सकते हो, तो मजे के लिए बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो, जंप कर करके ऊपर जा सकते हो इस तरीके से ना। तो ये फ्रेंड्स यार ये मजे के लिए, ये कोई हाइडिंग प्लेस नहीं है ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप व्यूज देख सकते हो, पूरा बरमुंडा मैप का व्यू किस तरीके से, उस तरीके का पूरा व्यू देख सकते हो है ना। तो यहाँ पे लेट भी सकते हो। तो फ्रेंड्स यार ये नीचे वाला हाइडिंग प्लेस आपको किस काम में आ सकता है? तो अगर फ्रेंड्स आपकी पूरी स्क्वाड मारी जाती है संतोषा में, आप लैंड करते हो संतोषा में, तो आपकी पूरी स्क्वाड संतोषा में मारी जाती है, तो आप यार यहाँ पे आके बैठ जाओ, क्योंकि यार काफ़ी कम ही बंदों को ये लोकेशन पता है। तो यहाँ से आके बैठ जाओ और अपने बंदों की रैंक मतलब माइनस होने से बचा लो। तो यहाँ से अपन यार यहाँ पे आए थे मजे करने वाली लोकेशन पे, तो यहाँ पे जंप भी करके देख लेते हैं, कुछ माइनस वाइनस तो नहीं लगता है अपना, मतलब माइनस क्या यहाँ पे एचपी, ओ भाई एचपी डाउन हो गई, तो यार मजे करने वाली लोकेशन पे मत जाना, क्योंकि मतलब एचपी खत्म हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स यार जोन पीछे आ रहा है तो अपन यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यार आप पानी से भी निकल सकते हो,
और जहां से आए थे ना, जहां से इंटर करे थे वहां से भी निकल सकते हो। तो ये वाला सीक्रेट प्लेस या हाइडिंग प्लेस वाला लोकेशन आपको कैसा लगा यार? चौथे नंबर वाला हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस वाला नंबर वाला कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हाँ तो फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं अपने पांचवे और लास्ट हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस की लोकेशन पे, जो कि फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगी बाहर बुलसाई के बाहर। यहाँ पे जो ये डबल डोर हाउस है ना, इसके पास फ्रेंड्स आपको एक लॉन्च पैड देखने को मिलेगा। तो इस लॉन्च पैड का ही यूज करके आप यार हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस पे जाने वाले हो। तो फ्रेंड्स यार लॉन्च पैड का यूज किस तरीके से करना है वो तो हम नाप के आपको दिखा देंगे। पहले तो फ्रेंड्स यार आप हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस देख लो कि ये लॉन्च पैड कहाँ पे लेके जाने वाला है, जिसकी मदद से आप यार छुप सकते हो और बंदों को आसानी से किल कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स यार आप यहाँ पे आ जाओगे और ये वाला आपको हाइडिंग प्लेस अच्छा लगता हो तभी यार आप लॉन्च पैड का यूज करना सीखना। तो चलो फ्रेंड्स जिसको अच्छा लगा होगा उसको हम सिखा देते हैं कि यहाँ पे कैसे आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्क्रीन में देख ही सकते हो कि यहाँ पे पूरा एक पेड़ दिख रहा है, तो पूरे पेड़ पर बीचों बीच में रेड एम को रखना है और रेड एम के बीच में आप फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे गैप है ना, गैप है, तो उस गैप में लॉन्च पैड को खत्म करना है। तो वहां पे आप खत्म करोगे तो आप यार इजी तरीके से हाइडिंग प्लेस या सीक्रेट प्लेस की लोकेशन पे आ जाओगे ना। तो फ्रेंड्स यार अभी मेरे पास अच्छी सी लूट है तो यहाँ से आप किसी को मार भी सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स यार यहाँ से हम ओ भाई साहब एक गाड़ी वाला आ रहा है, फ्रेंड्स यार गाड़ी वाला आ रहा है। तो यहाँ से ओ भाई बंदे को यार डैमेज भी पड़ चुका है, तो बंदा यार खत्म हो चुका है। तो यार यहाँ से आप कैसे बच के गएगा तू भाई? तो भाई साहब यार यहाँ से हमने बंदे को खत्म भी कर दिया है। तो चलो फ्रेंड्स यार हम यहाँ से देखते हैं कि कितना डैमेज गिरता है ना, अगर यहाँ से कूदते हैं तो कितना डैमेज गिरेगा। तो उससे पहले आप देख लो फ्रेंड्स यार यहाँ से कोई बंदा आपको देख लेता है तो आप यार कुछ इस तरीके से मतलब इधर के उधर घूम घूम के उसको घुमा सकते हो है ना, तो बैठ भी सकते हो, बाकी बैठने में दिक्कत आ सकती है, बाकी लेट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जंप कर दिया है फ्रेंड्स हमने और जंप करने के साथ ही आप देख सकते हो हमारा 90 HP बचता है। भाई साहब बोले तो फ्रेंड्स यार एक बंदे को आप आसानी से मार सकते हो, तो दो मेडिकेट में आप फुल हो जाओगे है ना। तो फ्रेंड्स यार ये वाला पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे फ्रेंड्स यार पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स यार मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।